जो है बना है वो 2010 में बना था, उसमें जो आज तहाल जो है उन्होंने पानी नहीं छोड़ा, क्योंकि कई बार महकमे ने वहाँ पान पाइपें लगाई हैं और महकमा ही पाइपें उठाकर दूसरे जाल ले जाता है। तो जब भी मैं महकमे के पास जाता हूँ, महकमा टाल मटोल करता है, आज लगाएंगे, कल लगाएंगे, परसों लगाएंगे, इस तरह से वो पानी से हमें मारूम रखा गया है। वो इस तरफ तवज्जो ही नहीं देता कि हमें पानी की जरूरत है या नहीं। ये लोग क्या कहते हैं, महकमा गफल लापरवाही में पड़ा है। हम डिस्पंसरी से अपील करना चाहते हैं कि जो टैंक बना है उसका बैनामा हुआ है, बाकायदा उसमें पानी छोड़ा जाए ताकि लोग पानी से मारूम ना हो जाएं। सर उस इलाके में 2010 से मैं कह रहा हूँ कि टैंक बना है, ताहाल पानी उस टैंक में छोड़ा ही नहीं उन्होंने, जो है एक महीने से नहीं है। लोग दूर दराज से पानी लाते हैं, लोगों को बहुत दूर से पहाड़ी इलाका है, पहाड़ियों पर चढ़कर पानी लाना पड़ता है। जो हमारी माएँ बहने हैं, बूढ़ी हैं, वह जाने से में काफ़ी दुश्वारी होती है। वार्ड नंबर 10 पंचायत कोटा का। सर हमारे जो टैंक बने हुए हैं, अभी 2 टैंक हैं जिनमें से उन्होंने पहले पैपे लगाई और वो अखाड़ के लेके गए, और 1 टैंक है उसमें पानी अभी चालू है, जो कि 1 महीना हो चुका है, उसने उन्होंने पानी नहीं नीचे से ऊपर चढ़ाया। उसके बाद जब वो पानी चढ़ाते हैं दार गुलूंग के लिए, वो बोलते हैं आपके मोहल्ले का पानी नहीं है, पाइपें उन्होंने मोहल्ले में लगाई हुई हैं। जब ऊपर की मोटर ख़राब हो जाती है दार गुलूंग वाली, तो वो बोलते हैं नहीं, वो नीचे से पानी नहीं छोड़ते, वो बोलते हैं वो मोटर ठीक होगी, उसके बाद पानी ऊपर हम छोड़ेंगे। उसके बाद हमारे मोहल्ले में आज 1 महीने से ज़्यादा हमने उनको कॉल की कि हमें पानी दो, पानी दो, वो ना सुनते हैं, ना कोई चेती वाला जेई को भी मैंने कॉल की, उसने भी फ़ोन नहीं उठाया। तो दूसरे महकमे को भी कॉल कर रहा हूँ, जो भी वहाँ के लाइन मैन है, कोई भी लाइन मैन यही बोलता है मेरी उधर ड्यूटी नहीं है, जिससे कम 2-2.5 किलोमीटर दूर से लाते हैं सर। सर डीसी पुंछ को हम यही अपील करना चाहते हैं कि जो भी इन महकमे को, इनको हदायत दी जाए कि वहाँ का जो भी मसला है वो हल किया जाए। अगर नहीं करते हैं तो हम 2 दिन के बाद मेंढर SDM के सामने आके मसला रखेंगे।